नाना पाटेकर यांचा हा व्हिडिओ तुम्ही देखील पाहिला आहेत का? व्हिडिओमध्ये नाना पाटेकर चाहत्याला मारताहेत अशी पोस्ट तुमच्यापर्यंत देखील आली आहे का? जर याचं उत्तर हो असेल तर ही पोस्ट शेअर करण्यापूर्वी जरा थांबा, कारण व्हिडिओ मागील वास्तव काही औरच आहे. या व्हिडिओ मागील सत्यता जाणून घेण्यापूर्वी लोक या व्हिडिओबाबत काय बोलताहेत हे पाहूयात. चाहत्याच्या डोक्यावर मारत असलेला व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आणि प्रचंड ट्रोल करण्यात आल्यानंतर खुद नाना पाटेकर समोर आले असून या व्हिडिओ मागची हकीकत नानांनी सांगितली आहे. ऐकूयात नाना पाटेकर काय सांगतायत. देखिए, एक व्हिडिओ व्हायरल हो रहा है जहां मेरे किसी बच्चे को मारा है. हालांकि ये सिक्वेंस हमारे फिल्म का हिस्सा है. हमने एक रिहर्सल कर दी थी. एक पीछे से बंदा मुझे कहता है कि ए बूढ़ा, टोपी बेचनी है क्या? मैंने हैट पहनी हुई है. तो वो आता है तो मैं उसको पकड़ता हूँ, मारता हूँ और मैं कहता हूँ बदतमीजी बंद करो, तमीज से पेशा, ये तरीका नहीं है. और वो भाग जाता. अब एक रिहर्सल हम कर चुके थे और दूसरी रिहर्सल करनी थी. डायरेक्टर ने कहा कि हम और एक बार करते हैं. तो उन्होंने कहा शुरू करो नाना जी. तो हम शुरू ही करने वाले थे, इतने में ये जो बच्चा जो वीडियो में है वो यहाँ से अंदर आ गया. अब हमें तो मालूम नहीं था ये कौन है. हमें लगा हमारा ही बंदा आया है. तो हमने सीन के हिसाब से उसको एक मार दी. मैंने कहा बदतमीजी मत करो, निकलो यहाँ से. और बाद में पता चला कि ये हमारा बंदा तो है नहीं, ये अलग कोई दिखता है. तो हम उनको बुलाने जा रहे थे, तब तक वो भाग गया. भाग जाने के बाद वो शायद उसके दोस्त ने कहीं वो शूट किया होगा. हालांकि हमने कभी किसी को फोटो के लिए ना नहीं बोला और ऐसे हम करते नहीं. वहाँ हजारों फोटो खींचे भी हमने. यहाँ इतनी भीड़ रहती है वहाँ घाट पे और ये तो मार्केट में सीन ये हो रहा था. अब ये गलती से हो गया, हमको मालूम नहीं वो कहाँ से आया. हमको हम अपना ही बंदा समझ के ये किया है. तो अगर गलतफहमी कोई है तो माफ़ कर दो. हम ऐसे कभी किसी को मारते नहीं, आज तक ऐसा हमने किया नहीं. और सभी के काशीवासी है, सभी के जो है इतना प्यार करते हैं लोग हमसे, और हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे कभी. कुछ पूछना है पूछिए. बच्चा आ जाए यार, मैं उसको सामने माफी मांग लूं. वो उस दिन भाग गया, भाग गया. और हम ढूंढते रहे उसको. मैंने कहा यार खाम खा उसने एक लफड़ खाया, तो उसको ढूंढ लो, हम माफ़ी मांग लेंगे. तो वो भाग गया कहीं, वो डर के मारे भागा होगा. वो शायद वो रिहर्सल के बीच में घुस गया था, उसको लगा था और मारेंगे शायद. तो लेकिन माफ़ कर दो, हम ऐसा कभी करते नहीं. पूरी शूटिंग के दौरान कैसा काशीवासियों को कैसा प्यार मिल रहा है, कैसा सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, कि लोग इतनी मतलब सपोर्ट कर रहे हैं. हम घाट पर तो आप जानते हैं कितनी भीड़ होती है, लेकिन वहाँ कोई दिक्कत नहीं. हम इतने दिन से शूटिंग कर रहे हैं.